वाराणसी से बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं, तो इसके साथ ही गठबंधन की ओर से अजय राय ताल ठोक रहे हैं। वहीं इस बार वाराणसी में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे यूपी की योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु से बात की भारत एक्सप्रेस संवाददाता नितेश पांडे ने। सातवें और अंतिम चरण के लिए आज मतदान जारी है और वाराणसी हॉट सीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी है। दयालु जी, आज अंतिम चरण का मतदान है, जनता के बीच खूब गए आप लोग, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? उत्सव है काशी के लिए, काशी के लोगों का उत्साह आपको दिखाई दे रहा है कि जन जन के लोकप्रिय नेता काशी के कड़कड़ में सबके दिलों में वास करने वाले नरेंद्र मोदी जी को काशी ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाने जा रही है। काशी इतिहास रचेगी, देश देखेगा, पूरे देश का जो वातावरण है उसमें काशी भी अपना एक अमूल्य योगदान देगी। काशी अपने देश के प्रधानमंत्री को चुनने जा रही है, काशी अपने प्रधानमंत्री को चुनने जा रही है। दो बार और यहां से वो प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं, सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री बने, इस बार क्या खास होने वाला? इतिहास दोहराएगा और इतिहास इस बार रिकॉर्ड मतों से, काशी अपने रिकॉर्ड मतों से अपने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार सांसद चुनेगा, देश उनको अपना प्रधानमंत्री बनाएगा। इसी संकल्प के साथ आज काशी के लोगों ने अब की बार 10 लाख के पार का नारा दे के आज सड़कों पर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। एक सवाल और इम्पोर्टेंट है कि आसपास के इलाकों में, अगर दूसरे जिलों की बात करें, दूसरे इलाकों की बात करें, वहां की क्या स्थिति आपके पास? हर जगह चारों तरफ पूरे प्रदेश में मोदी जी योगी जी की लहर है। डबल इंजन की सरकार का जो उत्तर प्रदेश को फायदा मिला है उससे जन जन में खुशियां हैं, गरीबों में खुशी है, माताओं बहनों में खुशी है, किसानों में खुशी की लहर है, नौजवान खुश है, तो उत्तर प्रदेश का पूरा परिणाम आपको चमत्कित करने वाला होगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में जो 400 के पार, अब की बार 400 पार। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? उत्तर प्रदेश में भी 80 की 80 सीटें, यानी गठबंधन और ये तमाम लोग हैं, सब की हवा निकल जाएगी। आपने 14 का चुनाव देखा, 17 का चुनाव देखा, 19 का चुनाव देखा, 22 का चुनाव देखा, 24 का परिणाम आपके सामने आएगा, तब आप तब भी चमत्कृत हो। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ नीतीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।